दस साल भूपिंदर हुड्डा के राज में बड़े बड़े बीजेपी के नेता उसके चरणों में जाते थे जो माइक पे हाथ बोल। इसको डर वो है ना, हम एमएलए के चक्कर में राष्ट्र की सेवा करने के लिए, परिवारों की सेवा करने के लिए पैदा हुआ। मेरी लाश पे जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का झंडा जाएगा और कोई नहीं जा सकता। हमारे लोगों ने ही अंग्रेजों का साथ दिया था। मेरी 1971 की जनसंघ की यात्रा, संजय जी आपको भूलो, मैं सिर्फ एमएलए के लिए काम कर रहा हूं, मैं एमएलए के काम नहीं करता। एमएलए मेरे लिए कुछ महत्व नहीं है। किसी लोगों को गलत फहमी है कि एमएलए के कभी हार नहीं सकता। हार जीत की जिंदगी का खेल है। मैं इस मार में ना हार में कभी गम होता, ना जीत में कभी सिर पे चढ़ता, नीचे जमीन पे रहता हूँ। ये मेरा इतिहास है। इसलिए मैं 1971 से एक विचारधारा से जुड़ा हूँ, हिंदू विचारधारा से जुड़ा हूँ, जो हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर हेडग्वार और 1971 से लेकर 2022 आ चुका है। सत्ता हमने नजदीक नहीं देखी थी, कभी सत्ता आएगी कभी सोचा नहीं था। या तो 10 साल भूपिंदर हुड्डा के राज में बड़े बड़े बीजेपी के नेता उसके चरणों में जाते थे जो माइक पे आज बोलते हैं, जो आज माइक में बोलते हैं। मैं उनके फोटो है उनके पास, और एक व्यक्ति हूँ जनसंघ की विचारधारा से लेकर हिंदुत्व की विचारधारा में हमने किसी का दरवाजा नहीं देखा। लोग खूब पलटियां मारते हैं, खूब इधर उधर जाते हैं। मनीष कुरार वो है ना, हम एमएलए के चक्कर में राष्ट्र की सेवा करने के लिए, परिवारों की सेवा करने के लिए पैदा हुआ। मेरी लाश पे जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का झंडा जाएगा और कोई नहीं जा सकता। आप संगठन बनाए, सेवा करें, खुशी है मुझे, इससे ज्यादा खुशी क्या होगी। समाज के लिए संगठन बनते हैं, परंतु कांटा एक रखो, दो दो कांटे पे मत जाओ। संजय खुराना जी, माइक पे कुछ बोलते हो, अंदर से कुछ करते हो। इसीलिए तो देश की आजादी पर हमारे लोगों ने ही अंग्रेजों का साथ दिया था, नहीं तो लंबे समय तक अगर हमारे देश के लोग, भारत के नागरिक अंग्रेजों का साथ ना देते तो हम उनको 20 साल में हमारे घर के अंदर ही हमारे बीच में विभीषण पाले हुए थे। इसलिए अंग्रेजों का साथ दिया। मेरी रोहतक में पार्टी मरने वाली नहीं है, ना डूबने वाली है। एमएलए बड़े ना बड़े, एमपी बड़े ना बड़े, पार्षद बड़े ना बड़े, विश्वासघात किसी से नहीं करना चाहिए। 1 बजे तुम बीबी भत्रा को बुलाते हो, 5 बजे मुझे बुलाते हो, आपका समाज कौन विश्वास करेगा आप पर? ये समाज को आप धोखा दे रहे हो, इस समाज के साथ बेईमानी कर रहे हो। ये बोर्ड लगा के काम नहीं चलेगा। एक को बुलाया करो जो आप पे विश्वास हो। मनीष किरोर पे विश्वास है तो मनीष किरोर को बुलाओ, बीबी भत्रा का विश्वास है तो बीबी भत्रा को बुलाओ, हमें मत बुलाया करो। मैं खुली चुनौती देकर जा रहा मंच पे, उद्देश्य दिन आसान काम है। महंत कथा खुद खूब सुनाते हैं, हमें उपदेश देते हैं, अमल करना चाहिए। जब अमल नहीं कर सकते तो भाषण देने का भी नहीं है। इसलिए मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूँ, बहनों और भाइयों, जब मैं हारा होता, हारने के बाद भी मैं आज एमएलए नहीं हूँ, मैं फिर भी जाता हूँ सुबह 7 बजे से लेकर अभी रात को 12 बजेंगे, और गाड़ी के बीच में मैंने कुर्ते पजामे 3 बार बदले हैं। रोटी भी मैंने सुबह नाश्ते में गाड़ी में करी है, और रात को 12 बजे करूँ, मैं धोखा समाज के नाथ नहीं कर सकता। मेरे खून में नहीं है, मेरे परिवार में नहीं है, मेरे आरएस में भी नहीं है, मेरे बीजेपी में नहीं है। इसे धोखेबाज से सारा दूर रखना।